Redmi Note 9 Pro इस बार हमें तीन मॉडल या फिर तीन वेरिएंट्स के साथ देखने को मिलेगा, Redmi Note 9 और Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro 5G। तो जैसे कि हमें Redmi Note 9 Pro का एक 5G वेरिएंट भी देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर हमें MediaTek का Dimensity 800 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि MediaTek की तरफ से लेटेस्ट और बहुत ही पावरफुल चिपसेट होने वाला है, जहाँ पर डुअल 5G नेटवर्क का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो काफ़ी मेजर चेंज हमें Redmi Note 9 Pro 5G के अंदर देखने को मिल रहा है। और रेयर के साइड में हमें क्वाड कैमरा से देखने मिलेगा, पर सेंसर में यहाँ पे चेंज किया गया है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा हमें Redmi Note 9 Pro 5G के अंदर देखने को मिलेगा। तो यार काफ़ी मेजर चेंजेस हमें कैमरा के अंदर भी देखने को मिल रहा है, तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना चाहिए, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और Redmi Note 9 Pro 5G का प्राइसिंग होने वाला है मिड रेंज में, 15,000 रुपये के रेंज में आप लोगों को एक 5G डिवाइस भी मिलेगा। तो जरूर से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो 6.67 इंच का डिस्प्ले हमें Redmi Note 9 Pro 5G के अंदर देखने को मिलेगा। सिमिलर डिस्प्ले देखने को मिल रहा है Redmi Note 9 Pro के जैसा ही, और फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन और सुपर एमोलेड का पैनल हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। और डिस्प्ले में 90Hz या फिर 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादा चांस है कि 120Hz का रिफ्रेश रेट ही देखने को मिले। और डिस्प्ले में सिंगल पंच होल देखने को मिलेगा, जो कि लेफ्ट कॉर्नर में सेट किया गया है। और जैसे कि डिस्प्ले में सुपर एमोलेड का पैनल मिल रहा है, इसलिए हमें इस फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो MediaTek का Dimensity 800 चिपसेट हम लोगों को Redmi Note 9 Pro 5G के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि MediaTek की तरफ से लेटेस्ट और बहुत ही पावरफुल चिपसेट है और डुअल 5G नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है। चिपसेट में 2.6 GHz का क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगा। रैम के बारे में बात करते हैं तो 6GB 64GB 6GB 128GB और 8GB 256GB। इस फोन का एक और रैम वेरियंट होने वाला है, पर अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है। और ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 के साथ आने वाला है, जहाँ पे MIUI 12 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और न्यू कस्टम स्क्रीन्स भी हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। और जैसे कि यार इस फोन के अंदर हमें NFC का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट के साथ Redmi Note 9 Pro 5G आने वाला है। कैमरे के बारे में बात करते हैं तो क्वाड कैमराज हम लोगों को Redmi Note 9 Pro 5G के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा होने वाला है 108 मेगापिक्सल का, फॉलोड बाय 20 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, फॉलोड बाय 16 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस, फॉलोड बाय 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। बात करते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरे के बारे में, तो इस फोन के अंदर हमें 32 मेगापिक्सल का AI सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। बात करते हैं बैटरी के बारे में, तो 5000 mAh का बैटरी हम लोगों को Redmi Note 9 Pro 5G के अंदर देखने को मिलेगा। तो जैसे कि यार इस फोन के अंदर हमें बैटरी बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, और 33W का एक फास्ट चार्जर भी हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा, और टाइप सी पोर्ट और 3.5mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो Redmi Note 9 Pro 5G का प्राइसिंग होने वाला है इंडिया के अंदर 15,000 से 20,000 रुपये के रेंज में। तो जैसे कि मिड रेंज के प्राइसिंग में Redmi Note 9 Pro 5G बहुत ही अच्छे स्पेक्स ऑफर कर रहा है, और 15,000 से 20,000 रुपये के रेंज में आप लोगों को एक 5G डिवाइस भी देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन होने वाला है Redmi Note 9 Pro 5G। रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो Redmi Note 9 Pro 5G का रिलीज डेट होने वाला है इंडिया के अंदर 12 मार्च को। तो जैसे कि यार इस फोन का रिलीज डेट भी बहुत ही सामने आ चुका है, बहुत ही अच्छा स्पेक्स ऑफर कर रहा है Redmi Note 9 Pro 5G। तो अगर आप लोग Redmi Note 9 Pro 5G को परचेस करना चाहते हो तो ज़रूर से परचेस कर सकते हो, और Redmi Note 9 सीरीज हमें इंडिया के अंदर बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, और इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो जरूर से शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।